निर्भया गैंग रेप और मर्डर के दोषियों में शामिल विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी है। चारों दोषियों में से ये दूसरी दया याचिका है जो राष्ट्रपति के पास लगाई गई है। इससे पहले मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। राष्ट्रपति को भेजी गई दया याचिका में विनय शर्मा ने एक और अर्जी राष्ट्रपति को लिखी है, जिसमें वह अपने वकील एपी सिंह के जरिए अपनी आपबीती राष्ट्रपति को बताना चाहता है। विनय ने अपनी अर्जी में कहा है कि वह राष्ट्रपति को बताना चाहता है कि जेल में रहने के दौरान उसने कितना मानसिक उत्पीड़न झेला है, क्या कुछ सहा है। विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के समक्ष अपनी दया याचिका में अपनी माँ और पिताजी से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि वह जीना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसके माता पिता उससे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा कि बेटा तुमको देखकर हम जिंदा है, तब से मैंने मरने का ख्याल छोड़ दिया। मेरे पिताजी और माँ ने मुझसे कहा है कि बेटा तू हमारे लिए जिंदा रहे, मरने का विचार छोड़ दे, क्योंकि हम तुझे देखकर ही जिंदा है। वही दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुँचने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब 1 फरवरी को भी निर्भया के दोषियों को फांसी होगी या नहीं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी को 14 दिनों का वक्त दिया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी, जो टल गई। दिल्ली जेल नियमों के अनुसार एक ही अपराध के चारों दोषियों में से किसी को भी तब तक फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता जब तक कि अंतिम दोषी की दया याचिका सहित सभी कानूनी विकल्प नहीं आजमा लिए जाते। तो जाहिर है 1 फरवरी की तारीख फिर से टलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।